गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज 6F, फैक्टराइज। क्वेश्चन नंबर 8, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। सेम बच्चों जो मैंने कल मेथड सिखाया था आपको, फर्स्ट वी चेक द स्क्वायर रूट, देन वी कांट यूज आइडेंटिटी इन दिस क्वेश्चन। सो देखिए, इसमें हम देखें तो आइडेंटिटी यूज़ करने का सोच सकते हैं, बिकॉज वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर एंड 16। लेकिन आप ये देखें, 2 इंटू यहाँ पर कितना आएगा, 4, 8y आएगा, तो 8y तो हमें नहीं चाहिए, माइनस 10y चाहिए। तो सो स्प्लिट द माइनस 10y, तो वी राइट हेयर वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 2y प्लस 16। माइनस 10y स्प्लिट इस तरह से करेंगे, इफ़ वी ऐड देम वी गेट माइनस 10y, इफ़ वी मल्टीप्लाई देम वी गेट 16y स्क्वायर। देखिए, माइनस 8y माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10y, इफ़ वी मल्टीप्लाई दिस वी गेट 16y स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म। नाउ रीग्रुपिंग, y स्क्वायर माइनस 8y। अब ये माइनस का साइन बाहर लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 2y किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो नाउ y माइनस 8 माइनस 2y माइनस 8। नाउ टेक कॉमन y माइनस 8 एंड रिमेनिंग पार्ट y माइनस 2 इट्स आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, सेम ऐसे ही करेंगे कि 2x आना चाहिए माइनस के, स्प्लिट करिए तो कितना देंगे हम, माइनस 6x प्लस 4x। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना होता है, यहाँ ऐसा नंबर लेते हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करने पर इसके इक्वल भी आए, तो 6 4 24, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस, तो माइनस 24। नाउ रीग्रुपिंग, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24। नाउ टेक कॉमन x माइनस 6, नाउ वी टेक कॉमन 4x माइनस 6, नाउ कॉमन वी टेक बाइनोमियल x माइनस 6 एंड रिमेनिंग पार्ट इज x प्लस 4, इट इज इट्स आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 48। तो इसमें कैसे देंगे बच्चों, देखिए, वाई स्क्वायर स्प्लिट देम बिकॉज वी नीड 48, माइनस 48 टू टेक 1 प्लस 8y माइनस 6y। देखिए, 8y माइनस 6y प्लस 2y आएगा, इफ़ वी मल्टीप्लाई वी गेट माइनस 48y स्क्वायर, सो इट इज़ करेक्ट। नाउ रीग्रुपिंग, वाई स्क्वायर प्लस 8y माइनस 6y, जब हम बाहर लेते हैं अंदर के साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, प्लस, और यहाँ कितना, ये भी कितना हो जाएगा, प्लस। नाउ टेक y कॉमन, y प्लस 8 रिमेनिंग, माइनस 6 कॉमन, y प्लस 8, नाउ y प्लस 8 कॉमन, तो वी राइट हेयर y प्लस 8 वन टाइम एंड रिमेनिंग पार्ट राइट हेयर y माइनस 6, इट इज आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एन स्क्वायर माइनस 3n माइनस 40। तो बच्चों ये कैसे करेंगे, देखिए, एन स्क्वायर, अब हमें ऐसा नंबर लेना है जो हमारे को सब प्लस करने पर या माइनस करने पर क्या है, 3n माइनस के, और मल्टीप्लाई करें तो क्या है, 40 माइनस, तो वी टेक माइनस 8n प्लस 5n, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट देम वी गेट माइनस 3n, इफ़ वी मल्टीप्लाई वी गेट माइनस 40 एन स्क्वायर माइनस 40। नाउ रीग्रुपिंग, एन स्क्वायर माइनस 8n प्लस 5n माइनस 40, जब प्लस का साइन बाहर लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज नहीं करते हैं, n माइनस 8
we take n common, here we take common 5, n minus 8. Now again we take common n minus 8, remaining part n plus 5. This answer. Now question number 12, y square minus 11y plus 24, so we take split minus 8y minus 3y, it means minus 11y plus 24, because 8, 3 is a 24, y square, it is equal to first term, product of first term and last term, so y square minus 8y, now minus sign outside of the bracket, so change the sign, 3y plus minus 24, y common, y minus 8, 3 common, y minus 8, now take common y minus 8, or remaining part y minus 3, it is its answer, clear? Now question number 13, 48 plus 22x minus x square, इसमें बच्चों जो यहाँ आना चाहिए था यहाँ है और जो यहाँ आना चाहिए था यहाँ है, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे इसको, 48, we take 48, split the 22x plus 24x minus 2x, it means 22x, if we multiply 24 2's are 48, x square, plus minus minus आएगा, तो हमने इसको ऐसे ले लिया, अब क्या करेंगे इसको, 48 plus 24x, माइनस जब यहाँ लेंगे अंदर साइन चेंज होगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ 24 कॉमन 2 प्लस एक्स माइनस एक्स कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा 2 प्लस एक्स, नाउ वी टेक 2 प्लस एक्स कॉमन, 2 प्लस एक्स कॉमन एंड रिमेनिंग पार्ट 24 माइनस एक्स, इट इज़ इट्स आंसर. Now question number 14, x square minus 29 x plus 204. ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा आप लोग सोचते हैं मैम 204 कैसे आएगा, तो ये आपको देखना होता है कि किस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें, जैसे 17 मल्टीप्लाई बाय 12 वी गेट 204, और 17 और 12 कितना होता है बच्चों 29, we take here x square minus 17x minus 12x plus 204, now regrouping, x square minus 17x minus outside of the bracket 12, x plus का हो गया, ये किसका हो गया minus का 204, now take common x minus 17, now 12 common x, 12 से divide करिए, 12 1's are 12, 12, 7 is 84. So now x minus 17 we take common. So kitna aayega bachcho? X minus 17 common. Now remaining part x minus 12. It is its answer. Now question number 15. P square minus 5P minus 176. So we write here P square minus 16P plus 11P. Minus 16 plus 11 minus 5 आएगा. If we multiply, we get minus 176 P square. We write here 176. Now, P square minus 16P plus 11P minus 176. अब क्या करेंगे इसमें? P common, P minus 16 here. प्लस पी कॉमन नहीं 11 ले सकते हैं, पी यहाँ पर आएगा रिमेनिंग, 11 वन ज़ा 11, तो 11 वन ज़ा 11, 11 सिक्स ज़ा 66, नाउ पी माइनस 16 वी टेक कॉमन एंड पी प्लस 11 इज रिमेनिंग पार्ट, क्लियर? नाउ रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो.